फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मार्वीज फ्यूजन किचन। मेरी आज की रेसिपी का स्टार इंग्रेडिएंट है अमरांथस के पत्ते, जिन्हें हम चौलाई या लाल साग के नाम से जानते हैं। एक्चुअली लाल साग नॉर्मली हर घर में बनाया जाता है, जिसमें मोस्टली इसे थोड़ा सौते करके पकाया जाता है, जिसे बच्चे बहुत कम ही पसंद करके खाते हैं। मैंने इसे आज की रेसिपी के लिए इसलिए चुना है क्योंकि ये अपने न्यूट्रिशनल वैल्यूज के चलते सुपर फूड की कैटेगरी में आता है। इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। इसके अलावा ये एक हाई फाइबरस फूड है, एनेमिक्स के लिए बहुत लाभकारी है और इम्यूनिटी बूस्ट करता है। अब जब इतने सारे फायदे हैं तो क्यों ना इसे ऐसा ट्विस्ट दिया जाए कि कोई भी इसे खुशी खुशी खाना चाहे। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। लाल साग या अमरंथस के पत्ते 100 ग्राम, जिन्हें साफ करके धो लिया गया है। फिर इन्हें पानी में 1 मिनट तक नमक डालकर उबाल लिया गया है और ग्राइंडर की सहायता से इसे अच्छी तरह से पीस लिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इन्हें अच्छे से पीस कर फाइन पेस्ट में बदल दिया है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि इस रेसिपी के लिए हमें और क्या क्या चाहिए। सबसे पहले मक्खन 1.5 टेबल स्पून, नमक स्वादानुसार, लहसुन 1 टेबल स्पून बारीक कसा हुआ, लाल साग या अमरंथ की प्यूरी 1 कप, जिसे हमने पहले ही बना लिया, एल्बो पास्ता 1/2 कप, इसे मैंने पहले ही नमक वाले पानी में उबाल कर ठंडे पानी से धो लिया है, मोज़रेला चीज 2 से 3 बड़े चम्मच कसा हुआ, और आखिर में ओरिगैनो 1 टीस्पून। अब सबसे पहले एक पैन या कढ़ाई को गर्म करें और इसमें मक्खन डालें। मक्खन पिघलने लगे तो इसमें कसा हुआ लहसुन डालकर थोड़ा सौते करें। जब लहसुन का कच्चापन निकल जाए तो इसमें लाल साग या अमरंथ की प्यूरी डालें और चलाते हुए पकाएं। दोस्तों, मैंने यहाँ पहले ही पास्ता और लाल साग को नमक वाले पानी में उबाल लिया था, जैसा कि आप सबने देखा, इसलिए मैं अलग से नमक नहीं डाल रही हूँ। अगर आप नमक थोड़ा तेज खाते हैं तो आप इसे बाद में भी डाल सकते हैं। जब अमरंथ की प्यूरी में उबाल आने लगे तो इसमें उबाले गए पास्ता डाल दें और चलाते हुए पकाएं। जब पास्ता प्यूरी में अच्छी तरह से कोट हो जाए तो इसमें करीब 2 बड़ी चम्मच चीज डाल दें। दोस्तों, अगर आप ये पास्ता अपने छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं जो अपने ग्रोथ ईयर्स में हैं, तो आप पास्ता में चीज़ की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, बिकॉज चीज़ ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और ज़्यादा चीज़ नहीं चाहते तो आप इसकी क्वांटिटी को अपने इच्छा अनुसार घटा भी सकते हैं। बट गाइज, यू हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दिस, चीज़ डालने से इसका टेस्ट काफ़ी इन्हांस हो जाता है। जब चीज़ पिघल जाए तो इसमें 1/2 टीस्पून ओरिगैनो छिड़कें और थोड़ा मिक्स कर लें। अब इसे गर्मा गर्म सर्व करें और ऊपर से बचा हुआ चीज और ओरिगैनो स्प्रिंकल करें, अपने इच्छा अनुसार गार्निश करके परोसें। फ्रेंड्स, मैंने इस रेसिपी में मिर्च का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसमें मिर्च ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फाइनली हमारा पास्ता इन अमरंथ सॉस तैयार है। एंड फ्रेंड्स, एज यू कैन सी, ये हेल्दी होने के साथ साथ काफ़ी टेस्टी है और चीज़ भी बहुत अच्छे से मेल्ट हुआ है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें। जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस मिस आउट ना हो इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप अपने फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।